जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादमा और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। सालों से अभी ये चल रही है और ये बेटर एंड बेटर होती जा रही है, तो इस बार मुझे श्योर हूँ कि बहुत ही बढ़िया होगी। अब पद्मिनी को मिलने के बाद हम लोग नीचे जाएंगे सीता और उसको मिलके, फिर देखेंगे कलेक्शन। एंड आई एम श्योर ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग और फैंटास्टिक लड़की हैं, विल बी लवली। मैं इसको तब से जानता हूँ, ये दोनों को तीन तब से जानता हूँ जब से 3 साल की थी। तो ये हम लोग बचपन से ही साथ में बड़े हुए हैं, बड़े मतलब पद्मिनी तो हमसे छोटी थी और सीता मेरे क्लास में थी, तो हम लोग साथ में पढ़े हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से साथ में ज़िंदगी भर। तो ये हमारे फैमिली है, बहुत मेमोरी है। तलवरकर अंकल हमें बीच में लेके जाते थे, उसके डैड और ये जितने तलवरकर जिम हैं उनके, और एक्सरसाइज कराते थे, अंडे लेके जाते थे, हम लोग अंडे खाते थे। तो बहुत मेमोरीज हैं सिद्धू के फैमिली के साथ और पंदी की फैमिली के साथ। नच बलिए तो ये है भाई, ये हमारी चैम्पियन। हम लोग बहुत मज़ा आया नच बलिए डांस में, और नाचना और नया नया डांस, तो बहुत 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 मज़ा आया ये शो में। बिल्कुल, अभी अभी जब चल रहा है शो, और यानी ये तो बहुत अच्छी तरह डांस कर लेते हैं, मेरी ही बहुत मेहनत लगती है ये शो का। कोई नहीं, किसी का बड़ा से बड़ा नहीं बोल सकता कि ये कौन जीतेगा, ये ऐसा शो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कोई नहीं बोल सकता। ये तो हम लोगों को सब पसंद है, बहुत बढ़िया है, यानी सारे के सारे इतने मज़ेदार हैं। कभी एक कोई फैंटास्टिक लगता है, कभी दूसरा लगता है, कभी तीसरा लगता है। वो आ गया हाँ, और बिल्कुल, लेकिन उसको चोट लग गई है। ये देखो ये हमारे आ गए हैं, अभी शक्ति जी इनको पकड़ो, फिर हम बाद में मिलते हैं, इनको लाओ। रिकॉर्डिंग एक तो मेरी साली है और नेचुरली उसकी चॉइस बहुत अच्छी है, जो उसने अपना जीजा शक्ति कपूर ढूंढा, तो चॉइस उसकी कलेक्शन में भी बहुत अच्छी है, उसकी इमेजिनेशन अच्छी है, एंड दे डूइंग वेरी वेल। एंड आई एम वेरी प्राउड कि ये सीता और उनकी जोड़ी बहुत जम के चल रही है, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। कलेक्शन तो कमाल की है ना, मेरे घर में सब कपड़े वहीं से आते हैं, मेरी बीवी के, मेरी बेटी के, और इंटरनेशनल कलेक्शन हो गई है, इनकी एग्जीबिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, एंड दे डूइंग वेरी वेल, इट्स अमेजिंग कलेक्शन। साहू के लिए एक्साइटेड हूँ, स्ट्रीट डांसर के लिए एक्साइटेड हूँ,
बागी थ्री के लिए एक्साइटेड हूँ, छिछोरे के लिए एक्साइटेड हूँ, और अपने बेटे के लिए चेहरा जिसमें वो काम कर रहा है उसके लिए एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ जी। हाँ, कपिल बहुत अच्छा है, कपिल से कल मैसेज में बात हुई, कनाडा में है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ वेरी हैप्पी, आई थिंक इज़ गोना बी अ फादर सून, दैट व्हाट आई थिंक। कपिल इज़ अमेजिंग, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और हमेशा मैं ज़िंदगी में उसके लिए दुआ करता हूँ कि हमेशा खुश रहे, एंड सच अ टैलेंट, सच अ ह्यूज टैलेंट ही इज़, एंड आई एम प्राउड हिज शो इज़ डूइंग अमेजिंग, थैंक यू। बहुत खुश हूँ, 3 साल हुए पद्म सीता को लॉन्च किए, और अभी तक विवाह के साथ जुड़े हैं, क्योंकि विवाह एक मतलब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़ा एग्जिबिशन है, तरुण सारदा आई थिंक मुझे लगता है एग्जिबिशन के किंग ही कह सकती हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी पार्टनर सीता, मतलब इसीलिए वहाँ से पद्म सीता आता है, सीता और पद्मिनी को मिला के पद्म सीता। पद्म सीता का जो मीनिंग है मतलब लक्ष्मी कैरिंग अ लोटस, तो इन्होंने ये नाम सूझा था पहले, और तब से वो कहानी शुरू हुई पद्म सीता की। तो हमारा जो काम है, हम बेसिकली विंटेज एम्ब्रॉयडरीज को रिवाइव कर रहे हैं, और कारीगर्स को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ये काम हम आगे लेके जाएं। तो जो पुरानी एम्ब्रॉयडरीज हैं, 400-500 साल पुरानी एम्ब्रॉयडरीज, हम उसको मतलब जैसे रिवाइव कर रहे हैं, मतलब फिर से उसको मतलब रखने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सीनियर कारीगर हैं इस एम्ब्रॉयडरी में, तो ये जैसे ये बुजुर्ग कारीगर है जो ये काम जानते हैं, तो जैसे आजकल ये पुराने ज़माने की एम्ब्रॉयडरी अभी मतलब इट इज़ डाइंग, सो हम लोग उसको बिल्कुल बिल्कुल, और उनको हेल्प भी कर रहे हैं, उनको देखिए आजकल मेड इन इंडिया, वी लव इंडिया, तो जाहिर सी बात है हम उसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वेल लोग जो आ रहे हैं बहुत पसंद कर रहे हैं, और आई कैचिंग मतलब कपड़े हैं, और अभी हाल ही में हमने शॉल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं जो गिफ्टिंग के लिए, और फिर जैसे शादियों में, अभी जैसे वेडिंग सीज़न आ रहा है, वेडिंग सीज़न तो कभी ख़त्म नहीं होता, पर उसके लिए हमने ये इंट्रोड्यूस किया, पूरा हाथ का काम है जरदोजी का। पानीपत तो दिसंबर में रिलीज़ होने वाला है, तो ये एक बहुत ही भव्य फिल्म होने वाली है, इट्स अ मैग्नम ओपस, तो आशुतोष गोवारिकर तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ही इज़ नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, तो ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। मैं खुद वेट कर रही हूँ फिल्म देखने के लिए, क्योंकि ये एक्चुअली कॉस्ट्यूम ड्रामा है, और आशुतोष के साथ फिल्म करना चाह रही थी मैं। जैसे कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो आप देखते हो, उनकी फिल्में देखते हो, जो उनका विजन है, तो वो देखकर आपको लगता है कि भाई इस डायरेक्टर के साथ फिल्म करनी चाहिए, और मैं बिल्कुल जैसे ही उनसे बात हुई मैं कूद पड़ी। संजू के साथ तो मेरा काम नहीं है, लेकिन उसका भी बहुत बढ़िया रोल है, तो अच्छी फिल्म है। अच्छी मुझे, मेरे हिसाब से, अब जैसे अर्जुन है, कृति है, बहुत मेहनत से काम किया है सब ने। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।